एक दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब दूरदर्शन था। तब टीवी पर खबरों को देखने का जरिया सिर्फ दूरदर्शन होता था। डीडी न्यूज पर खबरों को काफी अलग अंदाज में पेश किया जाता था। इसके अलावा उनके एंकर्स का स्टाइल भी सादगी भरा पर जबरदस्त होता था। अपनी मनमोहक स्टाइल से लोगों का दिल जीतने वाले ये एंकर्स अब कैसे दिखते हैं आप जरूर देखना चाहेंगे। प्रणय रॉय। प्रणय दूरदर्शन पर द न्यूज टुनाइट और द वर्ल्ड दिस वीक शो होस्ट किया करते थे, जिसे इंडिया के 5 बेस्ट प्रोग्राम के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आज प्रणय रॉय का खुद का एक चैनल है जिसका नाम है NDTV। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी का निधन हो चुका है। वेद प्रकाश जी दूरदर्शन के जाने माने एंकर थे। इसके साथ ही वो स्टूडेंट टुडे के भी चीफ थे। वो आर्टिकल लिखने का भी शौक रखते थे। सरला महेश्वरी। सरला किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं थी। उनकी पर्सनालिटी में काफी ग्रेस था। जब सरला न्यूज रीडिंग करती थी तब दर्शक चाहकर भी चैनल नहीं बदल पाते थे। शमी नारंग। 1,00,000 कैंडिडेट्स में से दूरदर्शन की एंकरिंग के लिए शमी को चुना गया था। हाई क्वालिटी वॉइस ओवर और उनकी यूनिक स्टाइल सभी को खूब पसंद आया था। उषा अल्बुकर्क। उषा दूरदर्शन की इंग्लिश न्यूज एंकर थी। एंकरिंग के साथ साथ वो कई मैगजीन के लिए भी लिखती थी। नीति रविंद्रन। नीति दूरदर्शन के गोल्डन डेज की गवाह है और वो स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेबल एंकर्स में शुमार थी। स्पेशल प्रोग्राम के अलावा वो शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में भी काम करती थी। रिनी सिमोन खन्ना। रिनी अपने हेयर कट और वॉइस ओवर के लिए जानी जाती थी। रेडियो से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रिनी ने 1985 में दूरदर्शन ज्वाइन किया था। इसके अलावा वो कई सारे सेमिनार्स में भी एंकरिंग कर चुकी हैं। गीतांजलि अय्यर। गीतांजलि दूरदर्शन की ज्ञानी और खूबसूरत एंकर्स में से एक थी, जिस वजह से दर्शकों के बीच उनकी एक अलग ही पहचान थी। तेजेश्वर सिंह। तेजेश्वर 80 और 90 के इंग्लिश न्यूज रीडर थे और उनके चेहरे की दाढ़ी ही उनकी पहचान बन गई थी। रामू दामोदरन। रामू कैमरे के सामने आने से पहले कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे। मीडिया की जॉब छोड़ने के बाद वो प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए थे। मीनू तलवार। मीनू तलवार ने करीब 35 साल तक दूरदर्शन में एंकर और न्यूज रीडर का काम किया। वह बड़े ही स्पष्ट और शालीन तरीके से न्यूज पढ़ती थी। अविनाश कौर सरीन। अविनाश कौर सरीन दूरदर्शन के खूबसूरत चेहरों में से एक थीं। 1970 में उन्होंने एक न्यूज रीडर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। सलमा सुल्तान। दूरदर्शन के भूले बिसरे एंकर्स में सलमा सुल्तान का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने 1967 से लेकर 1997 तक 30 सालों तक दूरदर्शन में एंकर के तौर पर काम किया। वह पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर दी थी। तो दोस्तों, आज की मीडिया और एंकर्स काफी बदल चुके हैं, लेकिन दूरदर्शन के एंकर्स का ना तो कोई मुकाबला था और ना ही हो पाएगा। आपका इन सभी पुराने दूरदर्शन के एंकर्स में से सबसे फेवरेट कौन सा है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।